देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि वीजी के अंदर किस तरीके से डेली डेली सेल को मेंटेन करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि आप मंथली सैलरी कैसे देते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर हम डेली बेसिस पे एम्प्लॉय को पैसे देना हो तो किस पैटर्न में देते हैं, तो उसको आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वीजी के अंदर किस तरीके से डेली वेजिस पे पेमेंट की जाती है। तो देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको पेरोल को अनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, फीचर ऑप्शन के अंदर जाके, इंटरप्राइज फीचर के अंदर आके, अनेबल पेरोल के अंदर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अनेबल। क्या चीज़ मिलेगा आपको? अनेबल पेरोल, सॉरी अनेबल पेरोल तो आपने कर ही रखा था। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? डेली वेजेस। क्या कर देंगे आप लोग? डेली वेजेस। अब इसमें हम मंथली सैलरी इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि लास्ट वीडियो में आप देखा होगा कि मैंने आपको सिखाया था मंथली, तो आज हम डेली पे करेंगे। बाकी सेम कॉन्सेप्ट आपका वही, आप नेक्स्ट वीडियो में देख के कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी। जब भी आप डेली पे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी अगर मंथली जो डेली बेसिस पे सैलरी आए अगर वो राउंड ऑफ होके आए, मतलब डेसिमल में आती, तो उसको आप एक रुपये में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दो। और साथ साथ मैंने बोला कि मुझे अकाउंट भी मेंटेन करना है। उसने बोला कि जब आप अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आप पेमेंट वाउचर करेंगे या जनरल से, तो मैंने बोला पेमेंट से करूँगा। और मैंने बोला कि मेरे सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। और मेरे पास जो पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट। ये मैंने इसलिए फास्टली कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना होता है? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं और सैलरी कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं, और यहाँ से आप लोग क्या करते हैं? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्या कर देते हैं? बेसिक। बेसिक अर्निंग का पार्ट होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड देन आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही आपका ये सेव होगा उसके लिए आप कहाँ आएंगे? मास्टर के अंदर। उसके बाद एक सैलरी कंपोनेंट बनाएंगे, ध्यान से सैलरी कंपोनेंट के अंदर आएंगे, मॉडिफाई, और यहाँ से बेसिक ले लेंगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कंपोनेंट बना रखा था इसलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोबारा। मैंने इसको कॉपी करा था और मैंने यहाँ पर F3 करके जाके इस तरीके का एक अकाउंट बना लेता। इसको बनाने से फ़ायदा ये हुआ था कि अगर मैं जो भी सैलरी कैलकुलेशन से पैसा दूंगा वो ऑटोमेटिक इसके अकाउंट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ होता है एम्प्लॉय ग्रुप। क्या होता है? एम्प्लॉय ग्रुप। जैसे आपको लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने दो ग्रुप बनाए थे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ बना लेता हूँ जो डेली बेसिस पे मेरे पास काम करने आते हैं। तो मैंने बना लिया राम लाल, ठीक है, ठीक है, और मैंने राधेराम लाल कुमार ग्रुप, और इसको डाल दिया मैंने जनरल ग्रुप में या डेली बेसिस के ग्रुप में डाल सकता हूँ। फिर इनका डेस्टिनेशन, फादर नेम, सपोज नेम, प्रेजेंट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, देन जेंडर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर और डेट ऑफ जॉइनिंग, अभी वर्किंग है या रिजाइन दे चुका है, मंथली सैलरी है आपकी डेली, तो उस पर क्या दे देंगे? डेली, और डेली कर देंगे। अब मैं जब भी इसको सेव करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि जब आप डेली पैसा देंगे तो पैसा का मोड क्या होगा, तो मैंने बोला पैसे का मोड क्या होगा? कैश। और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो पूछ रहा है कि अगर बेसिक में पैसा दोगे तो देखो आप यहाँ पर RS, मतलब एक पीस का कितना दोगे, तो मैंने बोला डेली पे एक दिन के 400 रुपये मिले। कितने मिलेंगे एक दिन के? 400 रुपये ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अभी पूछा कि जो आप 400 रुपये दोगे वो किसके अकाउंट में जाने चाहिए, तो मैंने बोल दिया रामलाल के अकाउंट। अब देखो इसको स्पेसिफाई अकाउंट को यस करोगे तो मतलब जब भी एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक किसके अकाउंट में चले जाएगी? वो रामलाल के। और मैंने यहाँ पर F3 करके एक अकाउंट बना लिया, क्या? राम लाल कुमार, और गुरु मैं इनको पैसे दूंगा तो मेरे लिए क्या ये एक्सपेंस, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको देनी सैलरी, तो सैलरी ट्रांजेक्शन में आऊँगा और कहूँगा सैलरी कैलकुलेशन के अंदर ऐड। क्लियर है? सैलरी कम दे रहे, तो मैंने बोला आपको मई में दे रहे हैं सैलरी, वर्किंग मंथली देनी डे, तो मैंने बोला डेली। ये कह रहे डेली कब तक की देनी है, तो मैंने बोला 1-5 तक की देनी है, ठीक है। कह रहे कितने घंटे की आपकी वर्किंग, तो मैंने बोला टोटल जो आवर्स होते हैं एक दिन की ड्यूटी टाइमिंग आपका 8 आवर्स है। क्लियर है? पेमेंट मोड क्या है मेरा? कैश। क्लियर? मैं देखो जैसे इसको ड्रॉप डाउन से लिस्ट करा और मैंने यहाँ से बोला पिक एम्प्लॉय मैनुअली, मैं शो करूँगा ना तो खाली राम कुमार आया। क्यों? रामलाल आया। बताया क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर मैंने मोड डेली लिया था, और डेली में क्या ग्रुप डाला है हमने? खोली रामलाल। अभी गए कितने आवर इन्होंने जॉब की, देखो 1 आवर कितने हो गए एक दिन के, मतलब 400 रुपये हो गए। मैंने बोला अगर 16 घंटा काम करा तो 800 हो गए। क्लियर है? मैंने बोला 324 घंटे काम करा है तो आपका 16,050 मिनट काम करा है। देखिए ऑटोमेटिक आपके ये डिटेल तैयार होती जाएगी।
क्लियर है, आप इस तरीके से अपनी डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेड डेज था, ये आपकी अनपेड डेज, मतलब उसने 3 घंटे बीच में डिस्टर्ब करा था, क्लियर है, तो आपको 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, क्लियर है। तो आप इस तरीके से डाल भी सकते, मैंने बोला 11, ठीक है 11, और मैंने बोला 3 आवर्स ने काम नहीं करा, वो उसकी बिल्कुल सैलरी बन गई, क्लियर है। तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए आपको पता होना। आप जैसे सेव करेंगे ऑलरेडी इसका प्रिंट आउट आ गया, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते। ये आज आपने सीखा, ये डेली वेजेस पे काम था, कौन सा वेजेस था, ये आपका डेली वेजेस के अंदर आपने आज ये सीखा कि आप देखो यहाँ बता भी रहा है कि अनपेड डेज आपके कुछ नहीं है और आवर्स आपके कितने हैं यहाँ आपको लिखे हुए, क्लियर। कोई कहता है कि आज जो मैंने इसकी ट्रांजेक्शन करी उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करी होगी, बिल्कुल करी होगी। आप ऑल्ट कीजिए और यहाँ से रामला डाल के ओपन करेंगे तो आप देखिए 16,000 रुपये की इसकी एंट्री उसके अकाउंट से आ गई। दूसरा एक चीज़ और नोटिस कीजिए, आपने जो एंट्री जनरल से करी है ना सैलरी कैलकुलेशन से, वो एंट्री आपको पेमेंट से रिफ्लेक्ट होगी। सर पेमेंट से रिफ्लेक्ट क्यों हुई आपको पता है? क्योंकि जब मैंने पेमेंट पे काम करा था यहाँ से फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो भी एंट्री हो कहाँ से हो, पेमेंट से, तो इसलिए ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को आ गया? कोई कहता है मुझे डेली वेजेस पे पार्टी का लेजर चाहिए रिपोर्ट निकाल, तो आप कहाँ होंगे? पेरोल के अंदर, पेरोल रिपोर्ट पे आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड सैलरी डेली या मंथली, पहले देखो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, खाली आपका एक बार में निकल गया, क्यों? क्योंकि आपके उस समय कोई टॉपिक अनेबल नहीं था, बट इस समय आपका टॉपिक अनेबल, तो आप यहाँ से डेली बोलेंगे तो खाली आपको कौन दिखेगा? राम क्लास, और जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई। देखो 320 दिन का कितने हो गए आपके 40 दिन, तो उसके हिसाब से इसने ऑलरेडी कैलकुलेशन की थी, उसने बताया कि आपके पर डे 400 रुपीज़ आपको मिलते थे, ठीक है, तो अब इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से पेरोल के अंदर डेली पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर है, कोई इशू किसी को? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने सीखा है कि हम किस तरीके से डेली पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं।